मेरे हिसाब से इट्स वन थिंग दैट इज़ हर कोई है, की है अब वो कामयाबी को कैसे डिफाइन करता है वो वेरी करता है फ्रॉम वन पर्सन अदर मेरा जो मेरी ऑब्जर्वेशन में एक चीज आई है वो ये है कि हम uh, मतलब हंड्रेड परसेंट ऑफ पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड किसी फॉर्म में भी वो सक्सेस हो लेकिन जो कमी है ना वो वो मेरे हिसाब से इन एरियाज में है कि आप सक्सेस चाहते हो लाइफ में ठीक है आप कामयाब होना चाहते हो लेकिन एक तो ये कि आप उसके बारे में सोचते नहीं हो आप बात नहीं करते ठीक है मतलब अगर मैं आज सोसाइटी में लोगों को उठा के देख लूँ और उनसे पूछू कि आप क्या चाहते हैं वो कहें जी, हम सब कामयाब होना चाहते हैं अब अगर मैं पूछू कि, कि कामयाबी क्या है आपके लिए ठीक है तो मोस्ट ऑफ देम विल प्रोबली थिंक देर एंड देन टू आंसर दिस क्वेश्चन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने वक्त में या उन्होंने बैठ के इस बारे में सोचा होगा कि भाई कामयाबी को हम कैसे डिफाइन करते हैं ठीक है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अलग से बैठ के इसको पहले तो अपने लिए डिफाइन करो ठीक है उसको अंडरस्टैंड करो कि वर्ट सक्सेस मीनस टू यू एंड ऑल्सो ऑब्वियसली थिंक अबाउट इट मतलब इट डजेंट हैव टू बी कि मुझे किसी ने बता दिया सक्सेस क्या है तो मैं कहूँ कि हाँ ठीक है मुझे भी यही चाहिए आप उसके बारे में कॉन्टम्पलेट करो रिफ्लेक्ट करो और फिर अपने लिए एक डेफिनेशन बनाओ ठीक है सो आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ अस डोंट थिंक एंड टॉक इनफ अबाउट इट डेफिनेटली व्हेन वी डोंट थिंक एंड टॉक अबाउट इट तो हम उसके लिए प्लान भी नहीं कर रहे होते ठीक है और जब आपके पास एक प्लान नहीं होता तो चांसेस ऑफ वर्किंग ऑन इट बहुत कम हो जाते हैं होता क्या है कि हम सब हवाई प्लान में होते हैं हाँ हमें ये करना है और हम uh, मतलब वो कहते हैं ना कि इट्स मोर लाइक आपको समंदर में डाल दिया गया और अब आप हाथ पाओ मार रहे हो कि आप किसी तरह फ्लोट करते रहो लेकिन फ्लोट करना सक्सेस नहीं है ठीक है चाहते आप क्या हो कि आप स्मूथली स्विम कर लो उस पानी में जो आ, जो आपकी सक्सेस की डेफिनेशन जो भी है uh, मतलब कॉमन uh, सेंस तो यही कहती है कि अगर आपको पानी में फेंक दिया गया है तो वहां से बचना ही कामयाबी है यानी कि डूबना टू प्रिवेंट ड्राउनिंग वुड बी सक्सेस राइट इन दैट पर्टिकुलर केस लेकिन उसको कैसे अचीव करना है इसके बारे में सोचना काफी लाजमी है ठीक है अच्छा अब आप सब लोग uh, अपने अपने नोटबुक्स खोलो मैं आप लोगों को uh, कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी एंड आई वांट यू टू आंसर क्वेश्चंस

एक्सपेक्टेशन तो वैसे भी मैं छोड़ूंगी क्योंकि महफिल से बैठ के नहीं होती है कि मैं कुछ uh, uh, मैं मैं आप को सिर्फ एक ही हूँ नेशन बिल्डर हूँ मैंने मुझे नेशन बिल्डर बनाया है और सक्सेस uh, को मैं इस तरह से डिफाइन करती हूँ कि मैं जो हूँ uh, यहाँ जो uh, मेरे लिए कामयाबी है वो कंटिन्यूस एफर्ट्स हैं टू मेक माई अल्लाह राजी विद मी

मैं आउट बॉक्स सोचता हूं हूं और 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 वो वो अचीव करना चाहता हूं जो मोस्ट पीपल नहीं कर पाते और सिर्फ सोचते हैं उसको। नाइस कामयाबी कामयाबी को कैसे डिफाइन करते हो uh, मेरे नजर में होती है कि एक बंदे ने जब अपना गोल डिसाइड किया वो उसे अचीव कर ले तो है। ठीक है, ठीक है, okay, uh, बाकी कौन रबिया

How do I define myself? Mostly I'm a dweller of my own mind. I think more than I do, okay. which I want to change. And uh, what is success? Success for me is to be able to stand in front of Allah Ta'ala without any guilt. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू बहुत आपने अच्छे मुझे जवाब दिए और मैं उस, उन्हीं जवाबों पे जो आपने मुझे दिया बिल्ड करूंगी कि देखो आप जो हमारी डेफिनेशन है हमारी जोफिनेशन है ना हम अक्सर अपने को अक्सर क्या बल्कि मैंने देखा 99 के हम ज्यादातर लोग, uh, लोग तो uh, कुछ लोगों की डेफिनेशन आई थिंक बहुत बेटर होती है अदर पीपल जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों में से एग्जांपल लूंगी रबिया ने बोला कि वो एक बेटी है या वो एक बहन है या वो एक जो है जैनब ने बोला वो उम्मती है ठीक है अब ये जो चीजें हैं ना अब ये आपके रोल्स हैं दीस आर डिफरेंट रोल्स दैट यू आर प्लेइंग इन योर लाइफ एंड इट्स फाइन इट्स कंप्लीटली फाइन टू डिफाइन योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू दोज लेकिन ये जो रोल्स है जो फंक्शनल रोल्स हैं वो आपको आपकी सक्सेस के लिए ब्रिज नहीं कर रहे ठीक है uh, देखो ये ये वो हैं इनमें इनमें से कुछ कुछ जो आप actually अभी तो 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 मैंने जितने भी नाम लिए तो ना तो आपका कुछ करना नहीं था अगर आप बेटी हो तो भी आपका इसमें कोई हाथ नहीं है uh, इसी तरीके से अगर आप माँ हो या आप अपने आपको अगर अपने फंक्शनल रोल से डिफाइन कर रहे होते हो तो उससे होता क्या है कि आप अपने आपको अः uh, उसी तरीके से लेके आगे चलते हो जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं माँ हूँ ना तो मेरे लिए Uh, जो सबसे पहले चीज आएगी ना वो मैं अपने आप को एज अ मदर ही देखूंगी इसका मतलब है कि मैं बहुत सारी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज करूंगी जहाँ पे वो मेरे मदरहुड के साथ क्लैश क्लाश करेगी अब फिर इसमें मुझे अगला मजीद सोचने की जरूरत है कि वो जो मदरहुड की डेफिनेशन है वो मैंने कहाँ से उठाई गया तो इसको थोड़ा सा हम ट्वीट करेंगे एज वी मूव ऑन जो बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन है वो है जैसे कि मारिया ने बोला और एक और किसने बोला कि आपने अपने आप को अपने आप को अपने पर्पस के साथ डिफाइन किया आप अपने अपनी डेफिनेशन जैसे मैं आपको बोलूं अगर मुझसे आप ये सवाल पूछना कि मैं विश आप डिफाइन करो तो मैं बोलूंगी कि आई आई एम अपलिफ्टर ऑफ वीमेन ठीक है मेरा जो मैं अपना वो कैसे देखती हूँ आई एम एन अपलिफ्टर ऑफ वीमेन ऑफ द सोसाइटी ऑफ दिस उम्मा एंड आई एम अ सक्सेसफुल कॉर्पोरेट पर्सन ठीक है मैंने अपने आप को uh, इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है जो मेरे अल्टीमेट सक्सेस के गोल्स ठीक है आखिर इसके बारे में मजीद बात करेंगे ये इन इट एक पूरा टॉपिक है आ, बट मैं ऐसे आपको ऊपर ऊपर से बता रही हूँ की हमें अपनी थोड़ी सी डेफिनेशन को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत होती है और उसको हम क्या करेंगे अगले सेशन में फ्राइडे को ना जब हमारे गोल्स और विजन आइडेंटिफाई हो जाएगा तो फिर हम इसको रिडिफाइन करेंगे अपने आप ठीक है अच्छा अग, फिर अब हम मैंने पूछा था कामयाबी ऑब्वियसली हर किसी के लिए कामयाबी का मतलब फर्क होता है लेकिन एज ए सेट बींग मुस्लिम आई थिंक हम सब ने ऑलरेडी ये बात कही भी है कि हमारी जो कामयाबी है अल्टीमेट कामयाबी हमारी uh, जन्नत ही है एक्चुअली मतलब हम कुछ भी कर लेना इस दुनिया में uh, एक इंसान की कामयाबी यही है कि वो जन्नत तक पहुंच जाए ठीक है तो ये आपकी टॉप लेवल कामयाबी है तो मैं इस बात की प्रोपोगेटर हूं कि आप यहां से स्टार्ट करो ठीक है आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो भी काम अपनी जिंदगी में कर रहे हो दैट शुड अलाइन बैक टू द एक्चुअल सक्सेस ठीक है हम कुरान पाक पढ़ते हैं कुरान पाक जब खोलते हैं तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत क्लियरली uh, बता दिया है कि सक्सेस uh, का क्या मतलब है राइट uh, खैर मैं अगेन इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये एक पूरी सेपरेट uh, वर्कशॉप है कि अल्लाह ताला कुरान में हमें सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं अल्लाह ताला ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं uh, कि वो कामयाब हो गया जिसने ये किया वो किया तो uh, हमारी जो अल्टीमेट कामयाबी की डेफिनेशन है ना सबसे पहली जो सबसे ऊपर है वो वही है ठीक है और बाकी सब उसी से ड्राइव करनी चाहिए अब मैं चाह रही हूँ कि आप सब लोग अपनी अपनी कॉपीज में दस से बीस चीजें ऐसी लिखो जो आपको बहुत अच्छी लगती है करना ठीक है समथिंग दैट यू लव टू डू ठीक है इट कुड बी पेंटिंग ईटिंग कुकिंग ठीक है या फिर इन uh, मेरे केस में बोलना <laughs> तो इस तरह की कोई भी चीज है अपने लिए एक लिस्ट बनाओ uh, अपनी से uh, आपने बेसिकली सिर्फ ये लिखना है कि आपको क्या पसंद है करना इसमें करते होना शर्त नहीं है एक्चुअली आप तो अपने दिल के अंदर से निकाल के लिखो कि भाई अगर दुनिया परफेक्ट होती और मैं कुछ भी कर सकती Without तो मैं so, मैं क्या हूं? मतलब मैं 20 possible, मैं करती मतलब ये अच्छा, ये न, ये चीजें चीजें हैं हैं मेरी रखनी है क्योंकि हम आगे जाके इसको इस्तेमाल करेंगे और आप फिर बाद में बैठ के इसको 20 चीजों की लिस्ट बना लेना ठीक है अभी जितनी बनाई हुई है इसको आप अपने पास रख लो हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं अच्छा तो ये तो हमने चीजें लिख ली अब हम एक आप लोगों से एक सवाल पूछूंगी कि अगर मैं आ, किसी को ये घर दिखाऊं तो मैं क्या बोलूंगी कि ये एक uh, किसी सक्सेसफुल इंसान का घर है या फिर एक कोई अनसक्सेसफुल इंसान का घर है? है किसका पैसे पैसे वाले किसका घर है किसी पैसे वाले का घर है <laughs> पैसे वाले तो नहीं सवाल का जवाब दो सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल So, yeah, successful. I mean, we can't define it. It's successful, I can say. Successful team just to have. It's a lot subjective. Yes. Okay. Okay. Abdullah, what do you think?

लेकिन बात जो यहाँ पे नोट करने की यह है कि क्योंकि अलमदिल्ला हम, तो हम सब मुसलमान हैं तो हमारी जो डेफिनेशन है ना वो बाकी दुनिया की तरह नहीं हो सकती ये पॉइंट मैंने यहाँ पे इसलिए मैं समझती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना क्योंकि देखो आजकल हम इंफॉर्मेशन एज में हैं तो हमारे पास uh, किसी भी चीज के ऊपर स्टॉप तो है नहीं राइट यू कैन लर्न फ्रॉम एनी बडी यू वॉन्ट एंड एनी बडी देट यू दैट इज ऑफरिंग यू सम टीचिंग्स और बिकॉज फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो बहुत दफा ये होता है कि कुछ लोग ऐसी चीजें सिखा रहे होते हैं आपको जो आपको दुनियावी सक्सेस पे तो पुश कर रही होती है लेकिन उसमें आप अपनी बहुत सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो ठीक है तो ये बात आपको गोल सेटिंग से पहले बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए कि आप जो होना हो ना सबसे पहले मुसलमान हो ठीक है आप इंसान हो उसके बाद मुसलमान उसके बाद आपका जेंडर है फिर आप मुसलमान हो राइट और एज अ मुस्लिम हमारी डेफिनेशन वो नहीं हो सकती जो बाकी दुनिया की है अब इसमें मैं स्पेसिफिकली जो बात करूँ ना वो ये है कि जैसे अब्दुल्ला की मैं एग्जाम्पल देती हूँ ठीक है अब अब्दुल्ला ने अपने आप को बहुत सारे पैरामीटर्स डिफाइन किया कि मैं स्टूडेंट हूँ मैं स्पोर्ट्स मैन हूं मैं बेटा हूँ मैं आउट ऑफ हूँ तो अब सवाल क्या पैदा होता है कि अगर अब्दुल्ला को मैं कहीं बाहर भेज दूँ या कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के ऊपर भेज दूँ जो कि नॉन मुस्लिम कंडक्ट कर रहे हो ठीक है ऐसी बात नहीं है कि वो लोग कोई अच्छी बातें नहीं सिखा रहे होते लेकिन जो वेस्ट की मैंटेलिटी है ना जो उनकी मैथडोलॉजी है वो है ऑल और नथिंग वाली बेसिकली जो वो हाइपर सक्सेस के ऊपर फोकस करते हैं आपको जैसे इवन जो एथलीट्स हैं उनको भी जिस लेवल की सक्सेस को वो पोर्ट्रे करते हैं या पुश करते हैं वो आ, देखने और सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है और हम चाहते भी हैं कि हमें वो लेवल मिले लेकिन एज मुस्लिम्स वी रियली नीड टू रिमेंबर के हम इस दुनिया में यू नो you know, जो हम आए हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारे रोल्स भी हैं हमारे हमारे बहुत सारे रोल्स भी और हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं है। और हमें हर रोल में सक्सेस हासिल ठीक है तो अः uh, बहुत सारी चीजें तो अल्लाह ताला ने आपको बता दी कि आपके इस, इस रोल में ये ये लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन है आपसे ठीक है एक अच्छा हस्बैंड क्या होता है एक अच्छी वाइफ क्या होती है अच्छी माँ क्या होती है अच्छी बीवी क्या होती है, uh, है अच्छा भाई बहन ये जो रोल्स हैं जितने भी आपके सोसाइटी में जो रिलेशनशिप से रिलेटेड रोल्स हैं ये तो आपको uh, कुरान और सुन्नत से पता चल जाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में बहुत ब्यूटीफुली ये एग्जिबिट हुए हैं कि ये रोल्स में आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना ठीक है तो इस चीज को तो आपने सामने रखते हुए अपने लिए गोल्स डिफाइन करते हैं ठीक है अः Having said that, I don't mean कि आप अपने आप को लिमिट करो ठीक है uh, देखो बहुत दफा क्या होता है कि हम इन रोल्स को यूज करके इन रोल्स को एज एन एक्सक्यूज भी यूज कर लेते हैं तो आपको अपने आप से सिंसियर होना होगा और आपको देखना होगा कि देखो इन आपको पहले तो अपने रोल्स को लिखना होगा कहीं पे, ठीक है फिर आपको लिखना होगा कि इस रोल को अच्छे से निभाने के लिए मुझे क्या क्या चीजें करनी चाहिए ठीक है मैंने एक आ, ट्रेनिंग अटेंड की थी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट उसमें बताया कि मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल होता है हर रोल्स रिलेटेड एमपीएल उसको कहते हैं कि अगर आप मिनिमम तो आपने वो काम करना ही करना है पार लगने के लिए ठीक है क्योंकि अगर आप एमपीएल से नीचे आ जाते हो अः तो आप जो की कैटेगरी में आ जाते हो एम जो है वो आपका मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल है उससे आप ऊपर जितना जाते जाओगे तो आप एहसान का दर्जा आ, अचीव करते जाओगे ठीक है हर किसी की लाइफ की डिफरेंट होती है आई एम श्योर देर आर मेनी वेमेन आउट देयर जो आ, जिनकी जब शादियां हो जाती हैं तो उनका जो प्राइमरी रोल है वो एज अ वाइफ या एज अ गोइंग फॉरवर्ड मदर हो जाता है और उनके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती तो उनको फिर अपने हिसाब से अपने रोल्स के लिए यू uh, नो you know, अपने लिए पिक एंड चूज करना है कि हम क्या वक्त किस चीज़ के ऊपर डालेंगे और हमारे क्या गोल्स है क्योंकि गोल्स हर इंसान के होने चाहिए ठीक है uh, किसी के प्रोफेशनल गोल्स होते हैं करियर गोल्स होते हैं आपके हर पर्सनालिटी uh, के पैरामीटर के हिसाब से अलग अलग गोल्स होते हैं उसको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे लेकिन इधर मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि आप मुसलमान होना तो एक मैंने देखा मुसलमानों में बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि वो दुनिया को बिल्कुल इग्नोर कर रहे होते हैं जबकि जैसे कि अभी रबिया ने बहुत अच्छी और टाइमली चीज़ हमें आ, समझाई कि याद दिलाई कि जो हज महमदा जो दुआ करते थे जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं ठीक है रब आतना फिर दुनिया तो हम हम अल्लाह से क्या मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में दे ठीक है सो हमारे हम दुनिया की सक्सेस मांगते हैं लेकिन ऐसी दुनियावी सक्सेस हमें नहीं चाहिए जो हमें आखिरत में सक्सेस ना दे पाए तो ये एक कनेक्टेड चीज़ है ये इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया में भी सक्सेस दें और आखिरत में भी सक्सेस दें ठीक है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ दुनिया की सक्सेस हो सकती हैं जिसका आखिरत में नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है आई थिंक हम सबको इस तरह की चीज़ों का अंदाजा है जितना आप मटेरियलिस्टिक होते हो जितना आप दुनियावी चीज़ों को जमा कर रहे होते हो तो दुनिया में तो शायद आपकी सक्सेस वोक आउट हो जाएगी जैसे अब आज अगर कोई लेट सपोज कल को इनशाला अब्दुल्ला बहुत बड़ा बिजनेस मैन बन जाता है ठीक है अब अगर अब्दुल्ला जितना ग्रो करता जा रहा है उसको बहुत सक्सेस मिल रही है और वो क्या कर रहा है कि वो अपने घर में वो अपने एक दोस्त तो ने बड़ा घर ले लिया फिर वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है अपने लिए फिर वो क्या कर रहा है कि अपनी गाड़ियां बदल रहा है अपने कपड़ों को जो कल वो पाँच रुपए की शर्ट पहन रहा था तो अब वो जो है पंद्रह डॉलर की एक शर्ट खरीद के पहन रहा है अपना लाइफ को अपग्रेड करता जा रहा है और वो ये नहीं देख रहा कि ये जो मैं दुनियावी सक्सेस जो मुझे मिली है वो क्या वो कनेक्टेड है आपका आपकी नजर एज अस्लिम कभी भी उस पर्पज ऑफ लाइफ से तो हटनी ही नहीं चाहिए जिसके लिए आपको पैदा किया गया यानी आपकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो जन्नत है अब आपको जो भी काम इस दुनिया में करना है ठीक है आप अल्लाह से मांगे आप अल्लाह से सक्सेस मांगे लेकिन लाजमी आप अल्लाह से यह सक्सेस मांगे कि अल्लाह मिया मुझे वो वही सक्सेस दे अल्लाह तुझे वो सक्सेस दें जो मुझे आखिरत की सक्सेस जिसका अल्टीमेट रिजल्ट जो है मुझे आखिरत में सक्सेस के फॉर्म में ठीक है सो यू कैन एम फॉर मटीरियल थिंग्स बट यू हैव टू हैव द राइट रीजन ठीक है अब uh, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दू मैं अगर प्रोफेशनली बहुत ज्यादा uh, अपने आप को ग्रो करना चाहता हूँ मेरे जो है आई टी की फील्ड से है और मैं आईटी की इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पढ़ाई है ठीक है है तो आपको अपने हमेशा अपडेटेड रखना पड़ता तो उसमें आपका काफी टाइम जाता है आपकी काफी एफर्ट जाती है तो अगर मैं ये काम कर रही हूँ कि मुझे ज्यादा पैसा मिले मेरी प्रमोशन हो मैं ज्यादा करूँ तो मुझे अपने अपने जो कंपस है ना मेरा जो क्या कहते हैं उसको कंपस को क्या कहते हैं प्रकार प्रकार

मटेरियल चीजें जमा करूं और अल्टीमेटली दुनिया मुझे देखे क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो दुनियावी मतलब एक ये इंसान के अंदर है अपने आपका जो गुरू आ जाता है आपको एक पावर की पोजिशन मिलती है ये सारी चीजें अब हम तो मुसलमान है हमें तो पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें अगर हमें पैसा जो है इंटरनली कमजोर कर रहा है तो वो पैसा हमारे किसी काम का तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर यू मूव ऑन टू सेट योर गोल्स ठीक है अच्छा अब हम आ जाते हैं लाइफ पर्पज के ऊपर जो मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कि एज मुस्लिम वी नो वेरी वेल कि हमारा लाइफ पर्पज क्या है अब ये जो आपको सामने स्क्रीन नजर आ रही है ये बेसिकली एक हैरान है जो मेरे हिसाब से अः हमें इस्तेमाल करनी चाहिए अपनी जिंदगी को एक डायरेक्शन देने को ठीक है अच्छा डायरेक्शन में फिर मैं आपको वही वाली बात लेट्स लेट, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू दिस आई एम श्योर ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो कि हम अल्लाह साल से मुस्तकीम मांगते हैं ठीक है तो हमारा तो दीन ही आप हमें एक सिरात यानी एक रोड एक डायरेक्शन की तरफ बुलाता है ठीक है तो आप जो भी और आपका वो जो रोड है उसका एंड जो है वो अल्लाह साल की खुशनूदी ही है यानी जन्नत ही है तो अब हम जो प्लान कर रहे हैं ना अब जो हम प्लान करने जा रहे हैं वो हमें उसी रोड पे रहते हुए अपनी दुनिया को और अल्लाह ताला कुरान में दुनिया को मता कहते हैं ना मता यानी के टूल्स यानी के ऐसी चीज जिसको इस्तेमाल करके आप आगे सक्सेस हासिल कर सकते हो ठीक है तो दुनिया में जो चीजें मौजूद हैं हम डेफिनेटली उनको इस्तेमाल करेंगे ठीक है और उनको इस्तेमाल करते हुए अपने लिए गोल सेटिंग करेंगे लाइफ पर्पज जब हम डिफाइन कर लेते हैं अपना तो फिर उससे हम नेक्स्ट अभी जैसे मैंने आपको जो लिस्ट लिखवाई है ठीक है अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी अच्छा पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती कि लाइफ पर्पज के ऊपर डिपेंड करता हुआ आपका लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे यानी कि मैं बोलती हूँ कि जी आज से दस बीस साल बाद में अपने आपको कहाँ देख लूँ फिर उसी को हम थोड़े शॉर्ट टर्म पे लेके आएंगे यानी कि पांच सालों में या तीन सालों में ले आएंगे उन उन गोल्स को फिर हम आ, सालाना गोल्स में आ, शिफ्ट करेंगे उसके बाद वो जो फिर हमारे पास जैसे अब 2024 आ रहा है ठीक है तो मैंने अगर आ, 2040 तक की प्लानिंग की हुई है फिर मैंने दो हजार तक की या उससे भी कम लेट्स सपोज 28 तक की शॉर्ट टर्म प्लानिंग की है फिर अब मेरा जो काम होगा कि मैं 2024 को प्लान दे अब दो को फिर मैं ब्रेक करूंगी मंथली गोल्स में फिर उसको मैं वीकली गोल्स में और अल्टीमेटली मेरे पास क्या आएगा डेली लेवल पे करने के काम तो जब ये मैं पूरी एक्टिविटी कर चुकी होंगी ना और ये एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है मतलब हम तो यहाँ पे तीन घंटे की वर्कशॉप में इसको यू नो करने की कोशिश करेंगे लेकिन इस एक्टिविटी पे आपको अच्छा खासा टाइम लगाना चाहिए यानी आप आराम से बैठ के सोचो कि आपके आपका आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है अब मैं आपको अभी आगे बताती हूँ कि वो लॉन्ग टर्म गोल्स कहाँ से निकल के आएंगे लेकिन इन सब कामों को करने को आराम सुकून से बैठ के करने वाले काम है मैं आपको लिमिटेड टाइम की वजह से गाइड तो कर दूंगी लेकिन आ, मैं आपको आ, ये बोलूंगी कि आप लोग इसको अच्छे से करोगे ताकि ये आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो ठीक है अच्छा लाइफ लाइफ पर्पज़ के ऊपर हमने बात कर ली है अच्छा अब हम आ, वो लिस्ट खोलते हैं जितने भी हमने लिखी एंड आप लोगों ने जो लिस्ट लिखी है ना उसके आगे अब आप अपने लिए लिखोगे कि आप उस चीज जो आपको जिस चीज से मोहब्बत है करना जो मैंने कहा था लिस्ट थिंग्स यू लव टू डू उससे आप अपना करियर uh, कैसे डिफाइन कर सकते हो कैन यू मेक दैट थिंग इन टू समर्न मनी आल्सो सवाल क्लियर है आप लोगों को सवाल मतलब एक्टिविटी क्लियर है आप लोगों को okay. मैं दोबारा रिपीट करती हूँ देखो आप लोगों को मैंने एक लिस्ट बनवाई थी चीजों की जो आपको पसंद है करना ठीक है मैंने कहा था कि एक आइडियल वर्ल्ड में आप ये वाली बात करते हो कि अगर मेरे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती तो मुझे ये चीज़ करना इतना पसंद है कि मतलब यू नो आई 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 जस्ट इफ कुड डू डू इट इट वुड ठीक है अब मैं आपको उसका नेक्स्ट स्टेप बता रही हूँ कि आपने जितनी भी चीजें लिखी है आप उस हर एक सेंटेंस के आगे अपने दिमाग से लिखो कि क्या मैं इस चीज को इस्तेमाल करते हुए कोई करियर बना सकती हूँ क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज समझाती हूँ कि जब हम क्योंकि देखो जिंदगी हर किसी की एक आ, मतलब आप कि एक लॉन्ग जर्नी uh, है राइट right? uh, इसमें जब हमारा पर्पज जो है ना अगर लेट सपोज मनी मेकिंग है बहुत सारे लोगों का uh, होता है कि जी हमें uh, पैसा बना ठीक है अच्छा अब वो पैसा बनाने के लिए अपने पैशन को इग्नोर करते हैं उन चीजों को इग्नोर करते हैं जिसके लिए वो बनाए गए देखो अल्लाह सुबह इंसान को ऐसे ही बाई चांस नहीं बनाया आई थिंक वी नीड टू रियली क्लैरिफाई दिस के हर इंसान जो है ना वो अपनी यूनिक सेट ऑफ आई वुड से के लाइक एवरी इंडिविजुअल इज अ पावर हाउस आपके पास सुपर पावर्स मौजूद है हर इंसान के सुपर पावर uh, दूसरे इंसान से डिफरेंट है सिमिलर uh, हो सकते हैं आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन हर इंसान यूनिक होता है ठीक है अब जो चीज़ मेरे लिए आसान है वो अगले बंदे के लिए आसान नहीं हो सकती लाजमी अब मैं किसी को कि यार देखो इस चीज़ में बहुत पैसा है चलाओ ये करो अब अगर कोई बंदा लेपोज सेल्स वी ऑल नो कि सेल्स में कमीशन बेस्ड होता है तो अक्सर सेल्स में लोग बहुत कमा रहे होते हैं आईटी आईटी सेल्स सेल्स की बात करो तो में बहुत ही होते हैं अब आजकल सबको पता है कि जी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक दौर चला हुआ है और आईटी इंडस्ट्री बूम पे है तो अब सब लोग ये सोचे समझे बगैर कि आपकी अपनी पर्सनालिटी टाइप क्या है आपका अपना आ, आ, कहते ना कि अपना पैशन क्या है वट इज दैट थिंग दैट मेक्स यू नो कहते ना कि सुबह जब हम उठते हैं तो वो जम्प आउट ऑफ बेड ऐसी कौन सी चीजें जो हमें करती है ठीक है मैंने दो तरह के लोग देखे एक तो ये कि वो उनको पता ही नहीं है ठीक है वो इस बारे में कभी सोचना चाहते ही नहीं है क्योंकि उनको पता है कि जो चीज़ उनको एक्साइट करती है वो तो पॉसिबल ही नहीं है उन्होंने अपने आपने दिमाग में एक पिंजरा बनाया है और उसके अंदर अपने आप को जाके बनते हैं ठीक है और दूसरी तरह के ये लोग हैं जो आ, क्या करते हैं कि आ, मतलब जब तक कर सकते हैं दूसरों के ख्वाबों को अपना ख्वाब समझ के जीते रहते हैं और फिर वो एक वक्त आता है जब वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते तो फिर वो एक डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार ये तो मतलब वो अपनी कैपेबिलिटीज को क्वेश्चन करने लगते हैं ठीक है अच्छा फिर एक और तरह के लोग भी हैं जो दीन को यूज़ करते हैं जो कहते हैं कि भाई एक तो ये मैंने बहुत कॉमन देखा है कि दीन को इस्तेमाल करते हुए हम कहते हैं कि भाई दुनिया तो हम हमें दुनिया तो चाहिए ठीक है बिल्कुल दुनिया दुनिया की खातिर नहीं चाहिए दुनिया का जो दुनिया अक्वायर करने का अगर मकसद दुनिया है ना तो डेफिनेटली नहीं चाहिए लेकिन दुनिया अक्वायर करने का मकसद आखिर की कामयाबी है तो फिर डेफिनेटली सही आप खुद देखो ना अगर अल्लाह ने आपको दिमाग दिया अल्लाह ताला ने आपको ऐसे घराने पैदा किया जिस घराने ने आपके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए लगा के आपको पढ़ाया लिखाया अच्छी अच्छी जगहों में डाला अब मैं जो हूँ माशाल्लाह चालीस साल की हो के और मेरे पास मल्टीपल डिग्रीज है और मैं इतनी बड़ी लिखी लिखू और मैं चालीस साल में आगे जब दीन सीखना शुरू किया मैंने तो मैं ये बोलूंगी नहीं भाई मेरा तो कोई काम ही नहीं है बाकियों के लिए ऐसा कैसे हो सकता है मेरा कोई लाइफ पर्पज नहीं है क्या क्या मैं अल्लाह ने मेरे ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट जो मेरे माँ बाप ने की है अल्लाह ताला ने मुझे जो इतना कुछ प्रोवाइड किया क्या मैं उस सबको अब यू नो वो फोल्ड करके और एक साइड में रख दूं कि भाई मेरा तो कोई दूँ नहीं अब एक तरफ लोग ये सोच लेके बैठे हैं दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं वो कह रहे हैं हमने इतना पढ़ा लिखा तो क्या हम अपना करियर कॉम्प्रोमाइज करके घर को टाइम देना शुरू अब ये जो एक्सट्रीम्स है ना इसमें तो जाना ही नहीं आपको एक अपने लिए बहुत ही आइडियलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट करनी है कि पहले तो आपने देखना है कि भाई मैं कौन हूँ मैंने जैसे आपको बोला आप अपने क्या बोला इसने

क्योंकि वो अगर आप यूज़ करोगे ना तो डेफिनेटली आप एक लॉन्ग टर्म सक्सेस पाथ की तरफ चलोगे अगर आप उन चीज़ों की तरफ जाते हो जो मैं अब आप आपको फ्लिप साइड बताने लगी हूँ जो आज के माशेरे में बहुत कॉमन है स्पेशली यूथ में तो बहुत ही कॉमन है कि जहां किसी ने कहा कि यहाँ पे ज्यादा पैसा है तो वो सरपट वहीं चल पड़े पता नहीं है कुछ भी जैसे मुझे अलग का शुक्र है बचपन से ही पता था कि मुझे क्या चीज़ नहीं पसंद मतलब मैंने आई में डिग्री की सो मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था डिग्री राइट बट जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे शुरू में पता चल गया कि भाई प्रोग्रामिंग तो मेरे लिए नहीं बनी राइट right? मुझे नहीं मैं, मैं नहीं मैं 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 इट्स नॉट कि प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग सीख सीख सकती सकती भी उसमें बहुत अच्छी भी हूँ लेकिन वो जो प्रोग्रामिंग के अंदर छह छह आठ आठ घंटे एक जगह बैठ के काम करना होता है ना वो मेरे मे, मुझे सूट ही नहीं करता लाइक आई डोंट हैव दैट पर्सनलिटी एंड आई नो अबाउट माई सेल्फ अल्लाह ने हर इंसान को ये कैपेसिटी दी है कि वो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानता है वो जो करना चाहता है ना वो उसको करने से कोई रोक नहीं सकता अल्टीमेटली आप वही करते हैं जो आप जिस से अपने आप को आप आइडेंटिफाई करते हो जिससे को डिफाइन करते हो तो बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ अबाउट केपेबिलिटीज ठीक है हमें तो हमारे मुश्किल बहुत दफा कहता है कि अगर तुम्हें स्पोर्ट्स का शौक है तो इसमें कौन सा पैसा है अब इसमें कोई पैसा नहीं है तो इसको बंद करके रख दो वट यू एज आई सेड सेवरी थिंग इज अबाउट अर्निंग मनी और मेकिंग मनी राइट सक्सेस इज नॉट हम तो खुद ही पहले डिफाइन करते हैं सक्सेस इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी सक्सेस इज अबाउट एक तो अल्टीमेट अचीविंग योर अल्टीमेट लाइफ एंड देन being on that बींग ऑन दैट पाथ वेयर यू आर कंटेंट एवरी स्टेप ऑफ द वे यूर एक्साइटेड यू आर थिंकिंग अबाउट द सोसाइटी आप अपने बारे में मतलब तो उस तरह से नहीं लेकिन आप एक ग्रेटर गुड की तरफ सोचते हो उसको लेके और फिर अपने पैशन को लेकर मुझे ये अच्छी लगती है ये काम अच्छा लगता है करना इसको मैं कैसे utilize कर सकती हूँ दुनिया की बेहतरी के लिए क्योंकि जब मैं दूसरों के लिए काम करती हूँ तो मैं ऑब्वियसली अपने अल्टीमेट लाइफ पर्पज के साथ कनेक्ट होती हूँ जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स मैंने देखे हैं आज दुनिया में कि अल्लाह ने उनको इतना नोबल प्रोफेशन अदा किया ठीक है लेकिन वो 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 क्या कर रहे वो रहे हैं हैं सिर्फ पैसे के पीछे भाग उनमें कम्पैशन का एलिमेंट खत्म हो गया तो क्या किया आपने कि वो जो नोबिलिटी थी उस पैश, उस प्रोफेशन के अंदर से वो आपने निकाल दी तो उसमें एक तो बरकत खत्म हो गई ठीक है और वो फिर दुनिया के लिए रह गया तो आपको ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स मिलेंगे सर्जन मिलेंगे जो लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं आज लेकिन इंसानियत के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहे फिर आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं गवा रहे हैं, लेकिन वो इंसानियत के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं तो अगर आपके पास आपका लाइफ पर्पज क्लियर होगा आपको अपनी पर्सनैलिटी अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता होगा तो यूल बी इन अ बेटर प्लेस टू डिफाइन योर गोल्स अकॉर्डिंगली ठीक है अगेन uh, ये ये वाला काम हम करते रहेंगे मैं कुछ चीजें और कवर करती जाऊँ और इनफैक्ट आप लोग मेरी बातें सुनते सुनते ये कर सकते हो ये जो अभी मैंने स्क्रीन पे दिखाया है ना कि जो आपने लिस्ट बनाई है आप सोचो इस बारे में कि आप इसको कैसे यूज करके एक लाइफ का पर्पज़ या लाइफ का गोल बना सकते हो मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आप लोग क्लियर हो मैं अपनी ही एग्जाम्पल दूंगी जैसे ऐसा है कि आई नो मुझे लोगों से बात करना पसंद है अल्लाह ताला ने मुझे पब्लिक स्पीकिंग का एक टैलेंट दिया है एट द सेम टाइम मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है मुझे सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर सोचना काम करना और उसको लोगों तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ठीक है तो ये मुझे हमेशा से ही रहा है अब ये मेरे अगर तो मैं आपको अपनी लिस्ट में से कोई एक चीज उठा के दे, दिखा बता रही हूँ ठीक है अब मैं इसको किस तरह से अपने आ, लाइफ के गोल्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ ठीक है तो मैंने ये सोचा कि भाई मैं आ, स्पीकर हूँ तो मैं अपने लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहती हूँ करूंगी जो लोगों तक मेरा मतलब जो कुछ मैं सीखूंगी वो मैं आगे लोगों तक पहुंचाऊंगी ठीक है और ना सिर्फ ये बल्कि मैं अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू बाकी लोगों को अपॉर्चुनिटी दूंगी क्योंकि मुझे पता है आई रिक्नाइज दिस के नॉट एवरीबडी कैन लॉन्च एन इंस्टीट्यूट फॉर फॉरसेल्स ठीक है बट क्योंकि मैं इस पोजिशन में हूँ मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ अलहमदुल्ला मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं मेरे नेटवर्क्स हैं कि मैं एक इंस्टीट्यूट एक अकेडमी क्रिएट कर सकती हूँ तो वट अर पीपल जो अकेडमी नहीं क्रिएट कर सकते हूं? तो मैंने सोचा कि मेरी जो अकेडमी होगी वो दूसरे लोगों के लिए ओपन होगी कि वो वहाँ पे आके अपने सेशंस करा सके अपनी क्लासेस करा सके उसको यूटिलाइज करके अपने आप को सेट कर सके तो ये मैंने अपने लिए एक गोल सेट किया ठीक है इसी इसी तरह इसी के बेसिस पे मैंने अपने लॉन्ग टर्म गोल सेट किए उसी को फिर मैंने ब्रेक करके शॉर्ट टर्म पे लाया और फिर उसको मैंने ब्रेक करके ईयरली गोल पे लाया वीकली मंथली एंड देन डेली अब मुझे पता होता है कि मैं जब उठती हूँ सुबह के बाद उठती हूँ तो मुझे आज के दिन में क्या क्या काम करें ठीक है सो आई डोंट हैव टू लुक वो अब मैं आपको एक मेटाफोर uh, यूज करके बताऊंगी कि के मुझे केटू की चोटी की तरफ नहीं देखना कि मुझे अल्टीमेटली कहां पहुंचना है मुझे सिर्फ ये देखना है कि आज के दिन मुझे कितने कदम चलने हैं ताकि मैं अगले पांच सालों में केटू की आदि तक पहुंच जाऊं और अगले बीस सालों में लेट्स सपोज के टू की चोटी सर है तो जब हम अपने गोल्स को ब्रेक डाउन करते हैं ना तो हम इसेंचली क्या कर रहे हैं कि हम उसमें से स्ट्रेस का एलिमेंट निकाल रहे होते हैं हम परेशानी का फिकर का एलिमेंट निकाल रहे हैं कि ये कैसे होगा कि कब होगा क्योंकि हमें पता है कि हमने अब ये चंक साइज प्लानिंग कर ली है हमने एक बाइट साइज प्लानिंग कर ली है अब हमारा मकसद सिर्फ ये कि भाई आज क्योंकि देखो आज का दिन ही तो वो है जो बल्कि वो भी पूरा प्रॉमिस नहीं है ना हम तो मुसलमान है हमें तो पता है कि कि मैं 20 साल बाद क्या होगा उसके बारे में ख्वार हो गया आज का दिन अपना जया कर दू तो ये तो मेरे अः ईमानी तनाजुर में ही बैठता नहीं है ना क्योंकि मुझे पता है कि आज ही के दिन अगर मुझे जो सांसें नसीब हो रही हैं बस वो भी कब खत्म हो जाए मेरे हाथ में नहीं है तो जो मैं कर सकती हूँ वो तो इस मोमेंट में ही कर सकती हूँ ना तो मैं आगे की क्या सोचूं ये क्या प्लानिंग करूं लोग बहुत सारे गोल सेटिंग को इसलिए पसंद नहीं करते वो ये वाली बात करते हैं। कहते हैं कि हम आगे क्या सोचे बिल्कुल बिल्कुल ये बात हंड्रेड ठीक है क्योंकि आपकी लाइफ प्रॉमिस नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि मतलब बैठ के बोले की हाँ बीस साल बाद ये हो जाएगा बीस साल बाद आप उस टूल को गोल सेटिंग के विजन सेटिंग के टूल को आप आज की सक्सेस के लिए डिफाइन करो क्योंकि आपने तो सिरात के ऊपर आना है ना आपने तो बात के ऊपर आना है अल्लाह ताला ने तो कहा ही नहीं कि मैं आपको रिजल्ट्स के ऊपर जज करूंगा अल्लाह ताला ने तो कहा मैं आपको आपकी एफर्ट के ऊपर जज करूंगा तो अगर मैं हिफ्ज कुरान का गोल लेके शुरू करती हूँ और मैं आज रात से पहले पहले अगर अल्लाह साल की तरफ पलट जाती हूँ तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेरे इस गोल को ही एक्सेप्ट कर लेंगे अल्लाह ताला ने तो हमें बहुत ही एक रिलैक्सेशन दी है वो तो ये दुनिया है जो हमें रिजल्ट्स के ऊपर वो कर रही होती है ना आपको डिफाइन कर रही होती है आपको एवेल्युट कर रही होती है रिजल्ट के ऊपर ठीक है सो so, ये एक्टिविटी आप लोग करते रहोगे एंड uh, इसमें बस कुछ चीजों का ध्यान ये रखें कि एम फॉर द मून यानी कि आप कहते हैं ना कि चांद की तरफ कमान फेंको मतलब इतना ऊंचा सोचो कि कि uh, ये सोचो अगर क्योंकि अगर आप चांद पे ना भी पहुंच पाए तो चलो सितारों तक तो हो गए ना लेकिन अगर आपने आपका गोल ही सितारे है तो फिर तो आप जमीन पर ही आगे गिरोगे तो आप जब भी अपने लिए कोई गोल सेट करोगे तो वो बिल्कुल ही एक आउट ऑफ द वर्ल्ड काइंड ऑफ गोल होना चाहिए ठीक है क्योंकि एज मुस्लिम्स हम तो इस बात में बिलीव करते हैं कि अगर हम अल्लाह से मांगेंगे तो हर चीज पॉसिबल है ठीक है वो हमारी कमजोरी होती है कि हम कोई चीज अचीव नहीं कर पाते लेकिन अल्लाह के पास तो किसी चीज की कमी नहीं है तो आप अपने जितने भी आप गोल्स लिख रहे हो उस पेपर में उस कॉलम में तो आप क्या करोगे आप बहुत ही जो आपका दिल करेगा और आप ये सोचे बगैर कि ये कैसे होगा आप जो हो बस वो गोल लिख दो ठीक है जैसे मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा डोंट थिंक अबाउट हाउ यू विल अचीव द गोल ओनली थिंक अबाउट व्हाट यू वांट आपने क्या करना है बस आप ये सोच ये मत सोचो कि कैसे हो ठीक है अच्छा अब इसमें मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है कि किस डोंट लेट यू जी बेटा ये पूछना था कि जब आप कह रही हैं डोंट थिंक अबाउट हाउ हम्म बंदा तो प्लान बनाता है इसलिए कि वो उसको किस तरह एग्जीक्यूट करे हाँ लेकिन अभी जिस स्टेप पे हम हमें तो ना तो हाउ की कैटेगरी में आ आप बिल्कुल सही कह रहे हो अब्दुल्ला वो हम गोइंग फॉरवर्ड करेंगे ना अभी मैं आपको स्टेप वाइज कर रही हूं। अभी पहला स्टेप है अभी पहला स्टेप क्या है कि आपने वो लिस्ट बनाई है कि चीजें जो मुझे बहुत ही ख्वाहिश है जो मेरी जिन चीजों को करने की अब आप उसके आगे क्या लिख रहे हो अपना उससे रिलेटेड एक गोल सेट कर रहे हो जैसे कि आपको क्रिकेट पसंद है मुझे पता है माशा एक्सेप्शनल प्लेयर तो आप कहते हो कि मुझे पाकिस्तान टीम में खेलना है ठीक है अब आपको पाकिस्तान टीम में खेलना है तो आप अपना गोल बना दो मुझे पाकिस्तान टीम में खेलना है अब वो कैसे खेलना है क्या खेलना है वो बात की बात वो हम आगे देखेंगे कैसे ठीक है फिलहाल का जो अभी हमारा स्टेप है वो है कि आपको चाहिए क्या वट इज अल्टीमेट डेस्टिनेशन अल्टीमेट पॉइंट जहाँ पे आप पहुंचना चाह रहे हो ठीक है अच्छा अगेन यहाँ पे मैं एक और बात भी आपको सो वो भी प्रॉब्लम नहीं है आप जितनी भी आपने चीजें लिखी आप उसके आगे अलग अलग गोल सेट करो तो mm -hmm. आपके जो गोल्स है ना अगर आपको एक बैलेंस्ड गोल्स चाहिए या फिर आपने जो लिस्ट बनाई है आप कोशिश करो कि वो पांच कैटेगरीज में हो तो मैं इनको एक्सप्लेन करती हूँ वेल यू आर मेकिंग गोल्स फॉर सेल्फ एक आ जाता है आपका फिजिकल सेल्फ ठीक है अब हम क्योंकि इंसान है और हमारे एक uh, जिसमानी वजूद है तो और uh, हमारी जो सक्सेस है अल्टीमेट कामयाबी है कुछ भी कर लेने की वो इस uh, जिसम के ऊपर डिपेंडेंट है ठीक है तो आप अपने लिए फिजिकल गोल्स अपने फिजिकल डोमेन के लिए क्या गोल सेट करोगे यानी कि आप अपनी एक्सरसाइज से रिलेटेड ठीक है फिजिकल बॉडी की बात कर रहे हो अपने वेट से रिलेटेड अपनी स्लीप से रिलेटेड नींद से रिलेटेड अपने डाइट से रिलेटेड आप क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो ठीक है ये सब चीजें जो है आपके फिजिकल गोल्स में आई मैं आपको इसके एग्जाम्पल जैसे दूं कि मेरा जैसे फिजिकल गोल है कि मेरा आज जो भी वेट है मैं चाहती हूँ कि भाई मेरा आइडियल ये वेट है और मैं चाहती हूँ कि मेरा ये आइडियल वेट मैं अचीव कर दूँ ठीक है अब मैंने अपने आपको टाइम दिया कि 2025 के दिसंबर तक मेरा वो आइडियल वेट होना चाहिए ठीक है तो ये मेरा एक गोल है ठीक है फिजिकल उससे लेके इसी तरीके से मेरा एक और गोल हो सकता है कि मैं रात को ग्यारह बजे सो जाया करूँ ये एक गोल है ठीक है फिजिकल गोल्स में और क्या हो सकता है कि मैं अपनी डाइट में से लेट्स सपोज शुगर हटा दू वाइट शुगर का खात्मा कर दू ये भी मेरा एक गोल है ठीक है तो एक गोल आपका होगा जो आपकी फिजिकल जात से रिलेटेड ठीक है एनी थिंग टू डू विद योर बॉडी एंड योर फिजिकल लाइफ यानी जो चीज आप देख सकते हो जिस चीज को आप महसूस कर सकते हो ये सब उससे रिलेटेड है आपकी बॉडी से बॉडी इमेज हो गया आपने बाल हो गया आपकी आंखें हो गई उससे रिलेटेड आप कोई भी गोल सेट कर रहे हो अपने लिए फिजिकल बॉडी के गोल तो अच्छा तरीका अपने लिए गोल सेटिंग का ये है कि आप इन सारे डायमेंशन में अपने लिए गोल सेट करो ठीक है तो आप लोगों ने जहाँ पे वो लिस्ट बनाई है ना चीजों की दैट द थिंग्स दैट यू लव कोशिश करो कि उनको इन पांच चीजों में डिवाइड करो मेक श्योर sure कि आपके पास हर इन पांच में से हर चीज कवर्ड हो पहला मैंने डिफाइन कर दिया फिजिकल दूसरा मेंटल अच्छा मेंटल का मतलब है कि आप अपने दिमाग को आ, आ, मतलब आपकी दिमागी वर्जिश लाजमी है यानी कि आप कुछ ना कुछ सीखते रहो ठीक है अब वो कुरान है यानी कि अगर मैं हिफ्स की बात करती हूँ मैं तफसीर की बात करती हूँ या फिर वो आ, कोई कोर्स है मुझे कंप्यूटर का कोई कोर्स करना है या क्रोशो है या कुकिंग है एनी स्किल मतलब मेंटली आप बात कर रहे हो हार्ड कोर लर्निंग के परस्पेक्टिव से तो आपके गोल्स के अंदर से ऐसी भी कोई चीज निकल के आनी चाहिए जो आपके मेंटल गोल्स uh, को सेटिस्फाई करे यानी क्योंकि देखो जो आप वो कहते हैं ना हम बचपन से सुनते आए कि खाली दिमाग जो शैतान का घर होता है तो हर किसी को चाहिए कि अपने लिए जिंदगी के आखिरी लम्हे तक कोई ना कोई लर्निंग का गोल जरूर रखे अपने ठीक है अच्छा तीसरी चीज आ गई इमोशनल अब इमोशनल गोल्स को अगर मैं डिफाइन करूँ तो इमोशनल गोल्स ज्यादातर आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है और सेल्फ मैनेजमेंट से रिलेटेड है ठीक है अब ये अगेन ये बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ इमोशनल गोल की कि मैं ये समझती हूँ कि भाई मुझे मुझे ना बहुत जल्दी किसी की बात हर्ट कर जाती तो ये मेरा एक इमोशनल वो है और मैं चाहती नहीं हूँ कि लोगों की बातें मुझे हर्ट करें तो ये मेरा गोल हो सकता है ठीक है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसमें अगर एक आध गोल भी हो तो ठीक है जैसे अभी अगेन मैं सुमुल की बात करूँ सुबल ने अपने आपको एक नेगेटिवली वो किया तो ये उसकी एक इमोशनल चीज़ है कि मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ तफक्कुर में बहुत ज्यादा वक्त गुजारती हूँ लेकिन उनके हिसाब से सपोज अगर वो ये कह रही है कि उनके हिसाब से ये पॉजिटिव चीज नहीं है तो मुझे इसको फिक्स करना है तो ये आपका एक इमोशनल गोल हो सकता है ठीक है अच्छा अब स्पिरिचुअल 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 गोल का मतलब होगा कि आपका जो हमारे जो हर इंसान का एक जिसमानी वजूद है और एक रूहानी वजूद है ठीक है एज मुस्लिम हम बिलीव करते हैं कि हमारे अंदर एक अल्लाह साल की तरफ से दी हुई रूह है तो उस रूह का ख्याल रखना स्पिरिचुअल गोल्स में उस रूह के खाने पीने का ख्याल रखना यानी कि कुरान से जुड़े रहना अपनी नमाज की पाबंदी करना अपने दीन के अहकाम पे रहना उमरा करना हज करना आ, अपनी नमाजों को बेहतर करना नमाज के मायने याद करना तफसीर में कोई कोर्स करना इस तरह के जितने भी गोल्स हैं ना जो आपको अल्लाह सुबह रूह की गजा का आ, वो बनते हैं क्या कहते हैं रूह की गजा का ख्याल कर रहे हैं तो वो आपके स्पिरिचुअल गोल्स में आएंगे अजगार पढ़ना तस्वीर करना उनको समझ के करना उसके ऊपर तफक् करना ये सारे गोल्स आपके स्पिरिचुअल गोल्स में आएंगे ठीक है अच्छा आखिरी आ गया सोशल गोल्स मैंने अभी जैसे बोला कि वैसे तो इंसानियत चाहे वो मुसलमान हो या वो ना, ना गैर मुस्लिम हो इंसानियत का जो ब्लू प्रिंट है ना वो तो है ही ये कि वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करे तो ही वो सक्सेसफुल होता है वरना उसके अंदर ये जो ग्रीड है ना वही उसको खा जाती है तो आ, सोशल गोल्स वो होंगे जो आप अपनी जात से निकल के किसी और के लिए करना चाहते हो यानी कि उसका आपको दुनियावी कोई बेनिफिट नहीं है उसका बेनिफिट आपका सिर्फ और सिर्फ आखिरत का बेनिफिट है और उसका जो बेनिफिट है वो अः दूसरे लोगों की भलाई है और उससे आप कोई मॉनिटरी बेनिफिट नहीं हासिल करना चाहते ठीक है तो वो सोशल गोल होगा ठीक है तो ये जी जरूरी नहीं कि अगर आपका कोई गोल है तो वो वो आप चीज आपको पसंद करना। आ, पारे पारे भी करना मैं फिलहाल फिलहाल मैं ये कह रही हूँ बेहतर बहत, ये है लेकिन आप वो जो आप अगर किसी चीज की तरफ हिंट कर रहे हो तो अभी हम उसके बारे में बात करते हैं ठीक है उसको लेके चलते हैं कि वो क्यों है और क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ठीक है अच्छा तो आज की प्रेजेंटेशन में हम यहाँ तक काम करेंगे आज के जो आ, वो है आ, मतलब आउटकम है है फ्रॉम द प्रेजेंटेशन वो ये कि आई आई थिंक हैव सेट अप अ स्टेज फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपने अपने लाइफ पर्पस की रोशनी के अंदर अपने लिए क्या गोल्स डिराइव कर करने ठीक है तो आज हम अपने आ, मोटे मोटे गोल्स यानी कि जिसको आप अपनी लाइफ का विजन भी कह सकते हो आप वो डिसाइड कर रहे हो उसको हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं हमने एक लिस्ट बनाई फॉर पीपल जिन्होंने मुझे बाद में ज्वाइन किया कि, लिस्ट बनाई चीज़ों की कि वो चीजें जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है करना ठीक है और यह गाइड किया कि ये जो सामने स्क्रीन पे पांच एरिया आ रहे हैं कोशिश करें कि इन पांचों एरियाज में कोई ना कोई उस लिस्ट में से चीज आ रही है। ठीक है ये आपने पहला काम किया उसके बाद अब आपने क्या करना है अगली क्लास से पहले पहले आई वुड वॉन्ट की आप उन सब चीजों को गोल्स में कन्वर्ट कर दो ठीक है की क्या क्या गोल आपका इन पांच एरियाज में उस लिस्ट को मद्देनजर रखते हुए हो सकता है